अच्छा तो अब आ रही है तू, और तूने तो बोला था कि साहब मैं कल टाइम पर आ जाऊंगी। तू जानती भी है आज मेरे घर पर कंपनी के कुछ लोग आने वाले हैं। साहब रात को मेरे बेटे की तबीयत फिर से बिगड़ गई, उसे मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, इसीलिए मैं लेट हो गई। तू कब तक एक ही बहाना बनाती रहेगी कि मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई? ये तो तेरा रोज का नाटक बन गया है। साहब मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, अगर आप चाहो तो मेरे घर पर चलकर भी देख सकते हो। मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आज मेरे घर पर ना कुछ VIP लोग आ रहे हैं, और देख पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है। चल अब जल्दी से इसे साफ कर दे। सेठ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। सुन अगर उनके आने से पहले तूने इस घर को साफ नहीं किया ना, उसके बाद देखना मैं तेरी क्या हालत करूंगा। जा अरे सर आ गए आप, आइए बैठिए। कहाँ बैठे हैं, यहाँ पर इतनी गंदगी हो रखी है, और आप इतने अमीर आदमी हो, दो चार नौकर नहीं रख सकते? अरे राणा साहब आप मुझे ही बता देते, दो चार नौकर भेजकर मैं आपके घर की सफाई करवा देता। अरे नहीं, साफ सफाई करने के लिए मेरे घर पर नौकरानी है, लेकिन वो ना बहुत काम चोर है, ना तो टाइम पर आती है और ना ही टाइम पर काम करती है। अरे राणा साहब जब वो नौकरानी इतनी आलसी है तो उसे घर से क्यों नहीं निकाल देते? तो ऐसी नौकरानी से फायदा ही क्या है, हम आपको एक अच्छी सी नौकरानी दिलवा देंगे। हाँ ठीक कहा आपने, अब मुझे यही करना होगा, और इन गरीब लोगों को कितना भी जलील कर लो लेकिन इनकी समझ में नहीं आता है। छोड़िए सर इन बातों के लिए, आइए हम बैठकर बातें करते हैं। तुम्हारे घर के हालातों को देखकर बैठने की इच्छा नहीं है हमारी। सर आप चिंता मत कीजिए, अभी 10 मिनट में सारी साफ सफाई हो जाएगी। तो क्या हम 10 मिनट तक इसी गंदगी में खड़े रहेंगे? आप कंपनी में आ जाना, हम वहीं बैठकर बात करेंगे। अरे लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। आरती इधर आ। जी साहब। आज तेरी वजह से ना मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, जो कंपनी से लोग घर पर आए थे ना इस गंदगी की वजह से यहाँ पर बैठे भी नहीं और वापस चले गए। लेकिन साहब आपका घर इतना भी गंदा नहीं है, जो आपके ऑफिस वालों को यहाँ पर बैठने में शर्म आ रही थी। देख वो बड़े लोग हैं और उन्हें घर में थोड़ी सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर नहीं बैठे वो। और मैंने तुझसे कहा था ना कि घर की साफ सफाई अच्छे से करना, लेकिन तूने ये सब नहीं किया। साहब अगर आप मुझे कल शाम बता देते तो मैं सारे घर की साफ सफाई कल ही कर जाती। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ तू जानबूझकर लेट होती है, और अब मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता, आज तेरा हिसाब किताब फाइनल कर देता हूँ। अरे नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, अगर आप मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो मैं अपने बच्चे का इलाज कैसे कराऊंगी? तू मेरे घर पर 3 महीने से काम कर रही है, लेकिन मैं तुझे 1 महीने के रुपए दूंगा। ये ले पूरे 10,000 रुपए हैं, अब चल निकल यहाँ से। लेकिन साहब जब मैंने 3 महीने काम किया है तो 1 महीने के पैसे क्यों, 3 महीने के दीजिए ना। इससे ज्यादा पैसे मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जाने दे मुझे। साहब सुनिए तो सही साहब, साहब मेरा बेटा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार समझाया है कि अपने अंदर छिपे टैलेंट को पहचानो, पढ़ने में तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है, तुम UPSC की तैयारी क्यों नहीं कर लेती हो? मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे अपने बच्चे का भी तो ध्यान रखना है, ये सब मैं कैसे करूँ? तुम बच्चे की टेंशन मत लो, उसका ध्यान मैं रख लूंगा, और मैं तुमसे बार बार यही कह रहा हूँ कि एक बार तुम सक्सेस हो गई ना तो आज जो लोग तुम्हारे ऊपर हाथ उठा रहे हैं कल वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक कह रहे हो तुम, मेरे पास भी बस अब यही रास्ता बचा है। सर आप मुझे ये बताइए, मुझे ऑफिस बुलाने की बजाय आपने यहाँ पर क्यों बुलाया है? आज यहाँ पर हमारे जिले की नई DM साहिब आने वाली हैं, और वो स्टैंडर्ड को चेक करेंगी कि यहाँ पर काम कैसा चल रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आज हमें DM साहिबा के दर्शन भी हो जाएंगे। अगर एक बार हमारे संबंध उनसे अच्छे हो जाए तो हमें आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। अरे मुझे लगता है सर DM साहिबा की गाड़ी भी आ चुकी है।
आरती, तू यहाँ पर क्या करने आई है? और जब से तू मेरे घर से गई है ना, तब से तो तेरे दर्शन भी नहीं हुए हैं। और इस गाड़ी को देखकर तुम तो यही डीएम समझ रहे थे। तमीज में रहकर बात करो, ये हमारे जिले की नई डीएम साहब आए हैं। क्या डीएम? आरती, तू डीएम कैसे बन गई? तू तो मेरे घर पर झाड़ू पोछे का काम करती थी ना। झाड़ू पोछे का काम करती थी तो क्या हुआ? मेहनत करने वाला कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। अब मेरा टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से इसका गेट खोलो और मुझे मेरा काम करने दो। ठीक है मैम, अभी खुलवाते हैं। आइए मैम। मैडम देखिए, हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। वो तो चेक करने के बाद पता चलेगा कि कौन कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है। क्या कहा था तुमने कि हम बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, फिर इस बजरपुट में इतना सारा रेत कहाँ से आया? मैडम मैं बताता हूँ आपके लिए, इस बजरपुट में हम रेत नहीं मिलाते हैं, बल्कि हम तो इसे डीलर के पास से खरीद कर लाते हैं। वो तो मुझे पता है कि तुम डीलर के पास से खरीद कर लाते हो, मगर वो जो बालू का ढेर पड़ा हुआ है उसका यहाँ पर क्या काम है? वो मैडम ये रेत का ढेर। तुम चुप रहो और मुझे ये बताओ, किसी भी कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए कौन सी लकड़ी का यूज किया जाता है? मैडम कंस्ट्रक्शन के काम में सबसे ज्यादा बांस की लकड़ी का यूज होता है। जब तुम्हें अच्छे से पता है कि बांस की लकड़ी का यूज किया जाता है, फिर यहाँ पर लिप्टिस की लकड़ी का क्या काम है? मैडम ये लकड़ी हमें सस्ती पड़ती है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। सस्ती लकड़ी के चक्कर में तुम लोग मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हें पता भी है अगर एक भी लकड़ी टूटी तो कितने मजदूरों की जान जा सकती है। मैडम ये सारी बातें छोड़ो, अब मुझे ये बताओ स्टैंडर्ड को पास करने के लिए कितने पैसे चाहिए आपके लिए? तुम अपने पैसों से मुझे खरीदना चाहते हो? मैडम आप जिले की बहुत बड़ी हस्ती हैं, इसलिए हम आपका सम्मान कर रहे हैं, वरना हाथ उठाना तो हम भी जानते हैं। ऑफिसर सबसे पहले तो इस टेंडर को कैंसिल करवाओ और इन तीनों के नाम अरेस्ट वारंट जारी करवाओ। ठीक है मैम। मैडम आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमने आपको देने के लिए पूरे 30 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है और रात को हमने पार्टी भी रखी है। अगर तुम 30 लाख की जगह 3 लाख भी इस मटेरियल में खर्च करते ना, तो तुम्हें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैडम इस बार हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपसे वादा करते हैं आगे से किसी भी टेंडर में हम ऐसा काम नहीं करेंगे। टेंडर तो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम जेल से छूटोगे। अजय ले चलो इन्हें। अरे मैडम।